Why are you treating her like Chun Chun? Hey, Chun Chun. Hello, hi. गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं एकदम तैयार हूँ एक्चुअली जिम जाने के लिए। आज से फर्स्ट टाइम है जो मैं जिम जाऊंगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हिम्मत करके आज से जिम जा रही हूँ। वैसे तो मिट्टी भी कह रही थी मेरे को जाना है, लेकिन मिट्टी अभी तक सो के उठी नहीं है, सो रही है। मैं सोच रही हूँ कि अभी सोने दूँ। वैसे तो 10 बज गए हैं, लेकिन अभी उठा भी दूंगी उसको मैं। ये रहा अविनाश। हाय गाइस, एक पैर चाट रहा है, एक कान खुजा रहा है, और ये मेरे ऊपर बैठे रहेंगे जब तक मैं बैठा रहूँगा। ये देखो, यही करती रहेगी बैठ के। नहीं चिंचा, ये रहा तीसरा, वो रही चौथी। अभी जैसे ही मिट्टी ने उठना है ना, इन्होंने धावा बोल देना उस पे। उसको पता नहीं है, उठाऊं क्या मिट्टी को भी? है? सोने दो यार, कितने बजे सोई है वीडियो उन्होंने? हाँ पता नहीं, मुझे लगता है लेट ही सोई। जगह भी चेंज हुई ना उसकी, क्या पता नींद ना आ रही है उसको, लेट सोई है। कह रही थी मुझे आपके साथ जाना है जिम, थोड़ा सा और रुक जा। तुम्हें तो टाइम है अभी जिम में ना? हाँ जिम में टाइम है। तो रुको, अरे 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 देख रहे हो अविनाश, अरे कहाँ चढ़ के आ गई है? अरे क्या कर रही है चेरी, तेरे लिए नहीं है वो अरे क्या कर, छोटी नहीं है चेरी, उसको तुम्हारी गोद में जाना है। तो गोद में आना है तो ऐसे आएगी है, गिरना पीछे गिर जाएगी। ये कौन सी हरकत कर रही है चेरी ने? बहुत बोल रही है आजकल, खेलना है एक्चुअली। चुप हो गई बस। हाँ वो मिट्टी उठ गई है ना। हाँ। और उसको ये है कि मेरे को खिलाओ, खेलेंगे। मिट्टी को सबने उठाया जाके, चारों ने। जी मिट्टी यहाँ पे उठ चुकी है और ब्रेकफास्ट भी कर चुकी है। हम लोग काफी देर से बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, और मिट्टी दो चीजों में फंसी हुई है कि मेरे साथ जिम जाए या अविनाश के साथ शूटिंग रेंज जाए। क्या डिसाइड किया? जिम, चलो फिर लेट्स गो। तो जी मिट्टी मेरे साथ जिम जा रही है, आज मिट्टी के साथ जिम किया जाएगा। बेटा मिट्टी मेरे पास तो कान के, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं ना मेरे साथ क्या हादसा हुआ है, या ये कहो कि मैं बताना भूल गई। बहुत सारी कोशिशें भी कर ली उसको ढूंढने की, लेकिन मेरा एक ईयरपॉड गुम गया है। एक है, एक नहीं है उस डब्बे के अंदर। बेटा मैं बात कर रही थी ना, मैं तो मतलब मैं भी तो व्लॉग कर रही हूँ ना, ये क्या कर रही हूँ? नहीं ये व्लॉगिंग के बीच में, मतलब मैं समझ रही हूँ आपके इमोशंस में, समझ रही हूँ मेरे इमोशन, समझो जब मैं सबको बता रही हूँ कि मेरे ईयरपॉड गुम गए हैं। क्या वो आपने गुमाए हैं? क्या आपको खा गई हो? क्या चबा के आपने डस्टबिन में फेंक दिया है? ये बताओ सबको। तो दोस्तों मेरा ईयरपॉड गुम चुका है, थोड़े दिन और ढूंढेंगे और उसके बाद डिसीजन लूंगी कि भाई नया लेना पड़ेगा मुझे। मेरे को बहुत दुख है इस बात का, मेरी ऐसी चीज कभी गुमी नहीं है। मतलब अविनाश की आए दिन गुमती रहती है, लेकिन मेरी कभी नहीं गुमी है, लेकिन आज गुम गई दोस्तों, आज गुम गई। पता ही नहीं क्या हुआ, ये तो इन्होंने गिरा दिया, मेरे कान में था। कहाँ गया छुना, कहाँ हुआ, कहाँ किया ये? मम्मा का ईयरपॉड बहुत महंगा था बेटा, बहुत महंगा था, ये हुआ है। तो इसी के साथ मैं चली जिम, जिम के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो देखो उसका सब कुछ लुट पिट चुका है। छुना हाय बेबी, हेलो हाय बेबी, हाय हेलो। तो बेबी अब मैं कैसे करूंगी? है क्या चीज़? मेरे को अपना ईयरपॉड दे दो। मेरे को तो बहुत काम है ना बेबी, आके दे दूंगी। नहीं नहीं मेरे को तो काफी काम है, मैं तो नहीं देता, मेरा तो काम के लिए यूज होता है ना। थोड़ा भी बीवी के लिए एक घंटे का वो नहीं दे सकते, काम खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, आज आपके पास है, कोई बात नहीं, जिसका खो गया है उसे पूछो। आप क्यों हंस रहे हो इस बात पे? मेरा एक ही खोया, देखो मेरे कान का ना एक ही खोया है मिट्टी, दूसरा है। तो दूसरे से काम चलाओ। डिटेक्टर मिल जाता है? डिटेक्टर से कौन सा डिटेक्टर होता है? यहाँ पे ये भी है और क्रॉस ट्रेनर भी है। आ जाओ देख लो, आ जाओ, मैं ये करूँगी। आप आ जाओगे? आपने कितने स्क्वाट्स किए? सही सही बताओ। 12 स्क्वाट्स किए, 20 स्क्वाट्स। देख लो अब स्टैमिना का फर्क, देखो आप। सर किसकी नीज है सर? आपकी है। इज आपकी नई प्रॉब्लम थी। तो
जी वापस हम लोग आ गए हैं। हम लोग तो खाना खा चुके हैं। मिट्टी नहा के कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब खाना नहीं खाएगी मतलब क्या है? एक्चुअली इसने ना बनाना मिल्क शेक पिया है, कह रही इसके बाद भूख नहीं लग रही, तो इसको एक मैंगो काट के दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा। बेटा ये मैंगो मैंगो आपका नहीं है बेटा, आप नहीं खा सकते मैंगो, बैड फॉर यू। इनको सब कुछ चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। और इनको तुम दोनों ने बिगाड़ दिया सब कुछ दे दे के भी। ये देखो उसको लग रहा है ये मैंगो इसके लिए आया है और ये प्लेट इसके आगे रखी जाए क्योंकि उसको वैसी ट्रेनिंग दी है ना कि जो भी आता है वो उसको दिया जाता है, तो उसको लगता है सब मेरे लिए आया है। उसके आपने न्यूरॉन्स मैंगो है, न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग कर दिए ना ब्रेन के। देखो सारे के सारे कैसे चिमट गए उसको, पगला गया क्या? अरे अरे छीन रहा बेबी उससे। स्टे बच्चों को लेके हम आ गए नीचे फटाफट खिलाने के लिए। आज थोड़ा लेट हो गए मुझे। बिल्ली का खाना खा गया, दो तीन थप्पड़ लगा इसको। अमिता बिल्ली बिल्ली का खाना उठा अमिता पहले। चल लोचा वही बैठा है। ये पता है मिट्टी सबसे छोटी कैट थी, इसको कैसे कैसे सेव किया था हमने पता है। अभी बड़ी हो गई कैट, अभी मारती है सबको। चेरी इधर आओ, अंधेरे में रास्ता भटक गई। अब इनको हम थोड़ा खिलाएंगे और मेरा ऐसा प्लान है कि मिट्टी में कहीं से प्ले स्टेशन मंगाऊं रेंट पे और फिर हम थोड़ा गेम खेलें क्योंकि अब आगे इतने दिन काट रहे हैं तो कैसे कटेंगे। प्ले स्टेशन तो होना चाहिए ना घर में। मैं तो पर्पसली नहीं रखता क्योंकि आपको आदत लग जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, बट रेंट पे ले सकते हैं। ओए इधर आओ दोनों, इधर आ बेटा। लेकिन मिट्टी बुआ का तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता ना, बुआ को एक बार अगर गेम खिला दो कोई, बुआ को इतनी गंदी लत लगती है कि बच्चे भी फेल हैं बुआ के आगे। बेटा मैं कौन से लेवल तक पहुंच सकती हूँ ना खेलने में आपको पता नहीं। फिर हो गई ब्लॉगिंग और हो गया कोई दूसरा काम। तुम मत खेलना बेबी, तुम बहुत तो देखना भी नहीं चाहती। तुम्हें एडिक्शन होता है बहुत गंदा गेम का। कैंडी क्रश, सबवे सर्फर, टेम्पल रन। टेम्पल रन में तो हद ही कर दी थी मैंने। और वो मछली वाला कौन सा गेम था? फिश वाला था ना उसने, क्या भगाया है इसको? गाड़ी के अंदर से निकला है। कोको कोको देखो फिर शिकार लगा रहा है। देखो शिकार लगा रहा है। कोको इधर आ, देखो उसके पास जा रहा है, कटीजी के पास जा रहा है। ये भी लतखोर हो गया पता है। हाँ, तो चुंचा पे अटैक क्यों कर रहा है यार? हाँ हाँ यही बीच में देखो खड़ा है। हा? बीच में खड़ा है वो अंधेरे में हमला करने के लिए, आँख चमक रही है उसकी। शिकार की पोजीशन में बैठा है वो। हाँ आज ये दौड़ा क्यों रहा है इनको सबको यार? जी मैंने और सम्मान ने तो डिनर कर लिया है, मिट्टी ने कोई डिनर नहीं किया। मिट्टी वांटेड टू गो आउट, मिट्टी को बाहर लेके जा रहे हैं अभी। मे बी शायद वहाँ कुछ खाए वो। मैं जा रहे हैं ना ये क्योंकि फ्रैंकी उधर खाना है एक रोल। तो ना पता है लोखंड वाला में एक अच्छी जगह है रोल की, जहाँ हम पहली बार हमने रोल खाया था साथ में। नहीं जी 13 years बैक। नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा। फिर कौन सा? दूसरा एक रोल है लोखंड वाला मार्केट के अंदर, वहाँ तो पार्किंग ही नहीं मिलेगी। मिट्टी वो ऐसी रहती है मेरे साथ, उसको मेरे मुंह से ये सुनना है। ओह माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल। हम लोग आ गए हैं लोखंडवाला मार्केट के अंदर। धीरे धीरे मार्केट बंद हो रही है, लेकिन ये क्या लग रहा है बाहर? सलवार कमीज यहाँ पे पटरी वाली दुकान है, मतलब रात की शॉपिंग, नाइट शॉपिंग खुल रही है अब यहाँ पे धीरे धीरे। ये कब से होने लगा मुझे क्या पता, मैं पहली बार देख रही हूँ भाई, पहली बार देख रहे हैं जी। We'll be right back.
तो जी मिट्टी ने ले लिया है रोल और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, संभावना खड़ी है गाड़ी लेके। भाई मिट्टी ने रोल लिया है, मैंने इतना बोला मीडियम स्पाइसी, लास्ट में मिट्टी ने मेरे को पता क्या बोला, डू यू थिंक आई कांट हैंडल स्पाइस, तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा लो फिर हैंडल इट, स्पाइसी तो नहीं लेना चाहिए, मैंने हैंडल इट, चलो कोई बात नहीं, बट डिड यू ट्राई इट? नॉट येट। तो शुरू करो, खाओ। बस यही लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं लिया? कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया। क्यों? पानी पूछा तो गुस्सा हो गई, कहती डू रियली थिंक आई कांट हैंडल स्पाइस, डू थिंक सो? मैंने कहा ले फिर। ये जेंजी जो है ना, जेंजी भाई साहब, ओ एम जी, जेंजी, जेंजी की जबान कैंची, जेंजी ओ एम जी।